अगर आप कर रहे हैं एनएस से डीएलएड और कम समय में आसानी से करना चाहते हैं कोर्स 504 और 505 की तैयारी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और अनअकैडमी पे जाकर दीपक हिमांशु को फॉलो करें। जितने भी कोर्सेस आपको शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यूज के दिए गए हैं जाके जरूर देखें। लेटेस्ट अपडेट है कि 504 के अंतर्गत कुछ नए लेसन आपको एमसीक्यू के डाले गए हैं, जिसे आपको आज शाम तक रिविजन करना है, जिसका कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जल्द से जल्द जाकर उससे आप रिविजन करें। तो दोस्तों यहाँ पर नमस्कार, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। बड़ी अपडेट यहां पर एक आज के न्यूज में निकल के आई है एनआईएस के डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए कि सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा में नहीं दे पाएंगे सैकड़ों छात्र परीक्षा। तो ये बेसिकली क्या है अपडेट, पूरी अपडेट हम यहां पर आपको बताने वाले हैं। डीएलएड कोर्स के सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा 28 सितंबर से शुरू होगी। तो बेसिकली 504 और 505 के बारे में ये बता रहा है कि 28 सितंबर से शुरू होगी, 28 से, और 29 को आपको 28 को 504 की परीक्षा और 29 को 505 की। लेकिन अब तक सैकड़ों अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड नहीं मिल पाया है। परीक्षा नजदीक होने के कारण अभ्यर्थी हर दिन एनआईएस क्षेत्रीय कार्यालय पहुंच रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने पेमेंट किया है लेकिन इसके बाद भी एडमिट कार्ड नहीं आया। वहीं एनआईएस क्षेत्रीय कार्यालय के माने तो कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म का पेमेंट नहीं किया था, ऐसे ही अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो बेसिकली यहाँ पर कंक्लूजन ये है कि जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं गया है ऐसे अभ्यर्थी फिलहाल परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। अब इन अभ्यर्थियों को दिसंबर में होने वाले डीएलएड कोर्स की परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल पाएगा। तो बेसिकली जिनका भी एडमिट कार्ड नहीं आ पाया है उनको यहाँ पर जो दिसंबर में बेसिकली आपका जो थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा होगी उसमें आपको बैठने का मौका मिलेगा। डीएलएड कोर्स के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 25 से 27 सितंबर को होगी। तो जो लोग फेल कर गए थे या एब्सेंट रहे थे उनके लिए आज से परीक्षा शुरू हो गई है। तो 25 से 27 सितंबर के को परीक्षा होगी और ये जो है वही की जो है परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जाएगी। राज्य भर में इसके लिए 447 केंद्र बनाए गए हैं। ये यहाँ पर पर्टिकुलर पटना से बात है तो बिहार के बारे में लिखा हुआ है। दोनों परीक्षाएं मिलाकर 260,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो प्रथम सेमेस्टर के विषयों में असफल हो गए हैं, उनके लिए 25 से 27 सितंबर तक परीक्षा आयोजित होगी। वहीं 28 और 29 को जो है सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा होगी। डीएलएड कोर्स के तहत 10 पेपर की परीक्षा होगी। 10 पेपर को 4 सेमेस्टर में बांटा गया है। अभी तक 3 पेपर हो चुका है और 2 पेपर की परीक्षा 28 और 29 सितंबर को ली जाएगी। बाकी बचे हुए पेपर की परीक्षा जो है दिसंबर में होगी, मतलब थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा दिसंबर में होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये न्यूज़ आई है दोस्तों। और जिनका भी अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है उनका परीक्षा अब यहाँ पर अभी वो इस बार नहीं दे पाएंगे, अब वो थर्ड सेमेस्टर में ही परीक्षा दिसंबर के टाइम में दे पाएंगे। यही बड़ी बात यहाँ पर ये निकल के आ रही है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए, एटलीस्ट ये कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो गया। हालांकि एनआईएस की गलती है और जो भी परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो अब आगे एनआईएस के लिए जो ये कर सकता है कि इसी एग्जाम फॉर्म के बेसिस पे अगली बार परीक्षा दिला सकता है। तो जो भी होगा एनआईएस की तरफ से हम आपको बताएंगे, लेकिन एटलीस्ट ये क्लियर हो गया कि अब जो है एडमिट कार्ड नहीं बांटा जा रहा है। जिनका भी एडमिट कार्ड नहीं आया है अब एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ये चीज़ यहाँ पर एनआईएस की तरफ से क्लियर किया गया। हालांकि गलती उनकी ही है लेकिन छात्रों को, शिक्षार्थियों को ये भुगतना पड़ रहा है जो कि दुखद है। लेकिन हम कोशिश करेंगे आगे भी सारी अपडेट आप तक पहुँचाने की और जो भी बात एनआईएस तक भेजी जा सकती है हम कोशिश करेंगे भेजने की। कुछ भी अगर आपका कमेंट है तो वीडियो में जरूर लिखिए। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट। जो भी लोग यहां पर एग्जाम देने आज गए हैं और आगे भी आप लोगों को ऑल द बेस्ट। हम जुड़े रहेंगे हालांकि आपके साथ।